लालकुआ तहसील के मोटा हल्दू क्षेत्र में पूर्व सैनिक की पत्नी ने 8 साल पहले प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से कृषि भूमि खरीदी थी, जिसका उसी वक्त भुगतान करने के बाद प्रॉपर्टी डीलर्स ने फर्जी तरीके से किसी और की भूमि महिला के नाम कर दी, जिसकी रजिस्ट्री भी कराई गई। लेकिन जब 2 साल बाद अपनी भूमि को दाखिल खारिज कराने के लिए महिला तहसील पहुंची, तब किसी और के नाम दर्ज भूमि का खुलासा हुआ, जिसके बाद लगातार महिला प्रॉपर्टी डीलर्स से भूमि को दाखिल खारिज की गुहार लगाती रही। लेकिन रसूख के आगे प्रॉपर्टी डीलर्स ने महिला की एक ना सुनी, जिसको लेकर महिला दर दर की ठोकरें खाते हुए 8 साल से न्याय की गुहार लिए कई जनप्रतिनिधि अधिकारियों से मिली। मैंने पदमपुर देवलिया में रहती हूँ। मैंने जयपुर की समय 2013 में एक प्लॉट खरीदा 1500 स्क्वायर फीट, 1300 स्क्वायर फीट समझी ने खरीदा था। रजिस्ट्री तो हाथों हाथ हो गई, लेकिन दखल खारिज 45 दिन के बाद हम दखल खारिज के लिए लालगुआ गए तो वहाँ इसके लगा था और रजिस्ट्री में नंबर भी गलत चढ़ा रखा है। तो हम तब से हम 1-2 साल तक हम इंतजार करते रहे कि भाइयों का मामला है सुलझ जाएगा। 2-3 साल बाद मेरे पति 2015 से बीमार हो गए। इसी बीच बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। 2017 में मेरे पति खत्म हुए, 18 में मैं ऐसे ही रह गई। 19 में फिर दौड़ा भागी कर रही हूँ। दर दर जाती हूँ, कभी लालकुआ जाती हूँ, कभी हल्द्वानी जाती हूँ, कभी तहसील जाती हूँ, कभी आईटी कोर्ट जाती हूँ, कहीं से मेरे को कोई मदद नहीं मिली। तो मैं आज ये एप्लीकेशन में, इसलिए मैं आज ये लालकुआ में एप्लीकेशन लिखने जा रही हूँ। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर के रसूख के आगे महिला की एक न चली। वो महिला ने उप जिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह से न्याय की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं महिला ने कानून का सहारा लेते हुए तीनों प्रॉपर्टी डीलर्स के विरुद्ध लालकुआ कोतवाली में तहरीर सौंपी है। और इनका ये कहना था कि उन्होंने अपना जमा पूंजी से एक प्लॉट लिया था और जिस व्यक्ति ने वो प्लॉट बिक्री की थी उसका कब्जा उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। जिसमें मेरे द्वारा ये कहा गया कि यदि आपके द्वारा इस प्रकार की धोखाधड़ी हुई कि पैसा ले लिया गया हो और प्लॉट का पोजेशन नहीं दिया गया हो तो आप संबंधित के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज करनी है। मैटर जो है खरीदार और क्रेता और विक्रेता के बीच का है। मेरे पास ये मैटर अभी इस वजह से नहीं आया है क्योंकि उनको पोजीशन नहीं प्राप्त हो रहा है। ये 2 व्यक्तियों के बीच का समझौता है और उसमें धोखाधड़ी यदि कोई कारित हुई हो, क्योंकि डिटेल मैटर जो है पुलिस जब विवेचना करेगी तो उसको पता चलेगा। डिटेल यदि कोई मैटर जो है मेरे सामुख लाया जाता है कि कब्जा नहीं दिया जाता तो उसमें मेरी कोई प्राथमिक भूमिका नहीं है, ये पुलिस की भूमिका है। दाखिल खारिज के समय अगर मेरे समय तहसील में आता है तो मेरे द्वारा संबंधित तहसीलदार को निर्देश दिया जाएगा।